हे गाइस, सो अब तक हमने देखा था यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी आपका सेटिस्फेक्शन मेजर करने का एक टूल है जो आपको बोलता है कि एट व्हाट कैपेसिटी यू आर गेटिंग सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन कितने परसेंटेज में मिला है, कितने नंबर्स में मिला है, वो गिनने का एक टूल होता है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के टाइप्स आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जो आपको सीखना जरूरी है। हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें से कोई एक पॉइंट आपको शायद 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म यूटिलिटी। क्या होता है फॉर्म यूटिलिटी दोस्तों? ये 6 टाइप्स में एक कॉमन चीज है, यूटिलिटी क्रिएट करना पड़ता है एज वेल एज क्रिएट होता है। ओके, और जैसे क्रिएट होता है वैसे उसका टाइप बन जाता है। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी कमोडिटी का अगर शेप चेंज करवाता हूँ एज वेल एज स्ट्रक्चर चेंज करवाता हूँ, लाइक मेरे पास वुड है, वुड को मैं कन्वर्ट करवाता हूँ, उसका शेप चेंज करवाता हूँ और उसका एक चेयर एज वेल एज टेबल बना लेता हूँ, तो उस टेबल एज वेल एज चेयर की आपको यूटिलिटी मिलेगी इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर वुड। तो वुड का हमने फॉर्मेट चेंज करवाया एज वेल एज स्ट्रक्चर चेंज करवाया, इसीलिए हमको टेबल में से यूटिलिटी मिल चुकी है। तो इसी तरह हम सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपको एक फर्स्ट लाइन बोलना है, फॉर्म यूटिलिटी मतलब चेंजेस इन द फॉर्मेट। अगर मैं बोलू प्लेस यूटिलिटी तो आप बोलोगे चेंज इन द प्लेस। अगर मैं बोलू टाइम यूटिलिटी तो आप बोलोगे चेंज इन टाइम। तो हर एक चीज में अगर चेंज हो रहा है, उसके टाइप के नाम वाली चीज अगर चेंज हो रही है तो उससे यूटिलिटी क्रिएट होता है। ये कॉन्सेप्ट हमको सीखना है। एक 5 मिनट में इमीडिएट आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कैसे करना है। ओके, फर्स्ट वन, फॉर्म यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन द फॉर्मेट एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ एनी रॉ मटेरियल एज वेल एज एनी कमोडिटी। आपका वुड कमोडिटी था, उसका फॉर्मेट एज वेल एज स्ट्रक्चर हमने चेंज करवाया, तो फॉर्मेट चेंज करने की वजह से जो यूटिलिटी क्रिएट होता है कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। उसका एग्जांपल है वुड कन्वर्टेड इनटू चेयर एंड चेयर गिव्स यू यूटिलिटी। हमेशा यह ध्यान में रखो जो आपका फिनिश काम है, जो आपका अल्टीमेट है चेयर बनाने का, तो चेयर विल प्रोवाइड यू यूटिलिटी। तो चेयर आपको कौन सी यूटिलिटी देता है? चेयर गिव्स यू फॉर्म यूटिलिटी एंड चेयर बन चुकी है चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वुड। तो आपको ये हिसाब से उसके 3 पॉइंट्स एज वेल एज 2 लाइंस में उसका आंसर लिखना है कि फॉर्म यूटिलिटी मींस अ यूटिलिटी व्हिच विल क्रिएटेड विद द चेंजेस इन द फॉर्मेट एज वेल एज स्ट्रक्चर एंड चेयर विल प्रोवाइड्स यू फॉर्म यूटिलिटी। ये सिंपल सा आपको 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट्स अलग विद वन एग्जांपल लिखा तो आपके 2 मार्क पक्के बन जाएंगे। ओके, सेकंड वन है प्लेस यूटिलिटी। तो क्या होता है प्लेस, चेंज इन प्लेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कश्मीर अगर एक प्लेस है, वहां पे बहुत ज्यादा लेवल पे क्या तैयार होता है? एप्पल्स बनते हैं, तो वो सारे एप्पल्स वहां पे लोअर डिमांडिंग है क्योंकि घर घर में एप्पल है। ओके, तो उन सारे एप्पल्स को अगर हम यहाँ पे भेज देते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं फ्रॉम लोअर डिमांडिंग, वहां पे ज्यादा डिमांड नहीं है, तो फ्रॉम लोअर डिमांडिंग टू द हायर डिमांडिंग एरिया लाइक महाराष्ट्र, कोई भी जगह कश्मीर को छोड़ के, तो वहां पे उसका बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उसमें ये हायर डिमांडिंग एरिया में एप्पल्स का प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है क्योंकि चेंजेस इन द प्लेस हुआ है। तो आपका फर्स्ट है फॉर्म, चेंजेस इन द फॉर्म प्रोवाइड्स यू चेयर वाला यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। सेकंड वन प्लेस यूटिलिटी, फ्रॉम लोअर डिमांडिंग एरिया कश्मीर टू द हायर डिमांडिंग एरिया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कौन सा यूटिलिटी मिलता है? प्लेस यूटिलिटी फॉर एप्पल्स। ओके, थर्ड वन इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या होता है? चेंज इन टाइम। फॉर एग्जांपल आज की डेट में, मतलब 2 महीने पहले, जहां पे जैम एज वेल एज फेब में मैंने कुछ ओनियन प्रोड्यूस किए थे, वो सारे ओनियंस मैंने स्टॉक एज वेल एज स्टोर करवा के रखे थे ताकि मैं उसको फ्यूचर में बेच सकूं। तो आज का डेट में मैंने कुछ स्टॉक किया और वो टाइम चेंज होने के बाद बेचा इन द मंथ ऑफ मे, तो मे महीने में मुझे ओनियंस वहां पे 10 रुपए की ओनियंस आज मैं 15 रुपए को बेच सकता हूं, तो ये मेरा मे महीने में टाइम यूटिलिटी क्रिएट करके प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे 3 कॉन्सेप्ट है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। तो चेंजेस इन द फॉर्मेट, चेंजेस इन द टाइम और चेंजेस इन द प्लेस विल क्रिएट फॉर्म, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ लिखनी सीखनी है कि कैसे लिखा जाए, तो वो सिंपल सा फंडामेंटल आपको समझ में आने के बाद आपके दो मार्क तैयार हो जाएंगे। फोर्थ वन इज अ पोजेशन। व्हाट इज पोजेशन? तो आपको रेडी पोजेशन में फ्लैट्स मिलते हैं, अपार्टमेंट्स मिलते हैं, तो पोजेशन होता है ओनरशिप। पोजेशन होता है ओनरशिप। आपने मूवीज में देखा रहेगा कि कोई भी घर का पोजेशन हमको मिलने वाला है, तो पोजेशन इज अ ओनरशिप। वो ओनरशिप आपको मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मेरा मोबाइल फोन एज वेल एज बाइक है। इन दिस लॉकडाउन मेरे एक फ्रेंड को कोई जरूरत है जो सोशल वर्क करता है, तो उससे मैंने मेरी बाइक का पोजेशन दे दिया फॉर टाइमिंग। उसे बोला एक महीना तू मेरी बाइक यूज करवा ले। तो आज की डेट में एग्जैक्ट पोजेशन, मतलब उसका पोजेशन किसके पास है, ताबा किसके पास है, तो मेरी बाइक उसके पास है। हाँ, भले डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट चलाने वाला और की किसके पास है, वो बंदा और उसी के पास है। तो उसे उस चीज के ओनरशिप का यूटिलिटी मिलता है। तो बाई चेंजिंग ओनरशिप फ्रॉम गौरव सर टू हिज फ्रेंड विल क्रिएट पोजेशन यूटिलिटी एज वेल एज ओनरशिप चेंज वाला यूटिलिटी। समझ में आ रहा है? उसके बाद होता है सर्विस यूटिलिटी एंड नॉलेज यूटिलिटी। इन दोनों को साथ में क्यों लिखा? उसका रीजन ये है कि सर्विस देना, तो सर्विस कौन देता है? सर्विस देते हैं और प्रोफेशनल पर्सन लाइक कोई सीए है, सीएस है, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स, मतलब उनके पास कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज होती है, वो लोग सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो व्हेन एनी पर्टिकुलर प्रोफेशनल रेंडर एज वेल एज प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एज वेल एज कस्टमर्स, कोई लॉयर भी सर्विस प्रोवाइड करता है टू देयर क्लाइंट्स एज वेल एज विक्टिम्स, तो वो सारे लोगों को जब भी एडवाइस देते हैं, क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो सारी प्रोफेशनल डिग्रीज के बेस पे होती है। तो सच प्रोफेशनल पर्सन रेंडरिंग सर्विस विल प्रोवाइड सर्विस यूटिलिटी। तो वो सारी चीजों का उस क्लाइंट को एज वेल एज पेशेंट ऑफ अ डॉक्टर को कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलता है, उसकी वांट सेटिस्फाई होने का कुछ ना कुछ पावर उसमें आ जाता है। अगर मैं बीमार हूं तो मुझे किसी डॉक्टर ने क्योर करवाने के लिए कुछ मेडिसिन दी और एडवाइस किया कि आपको ये चार दिन फॉलो करना है, तो दैट प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर गिव्स मी सर्विस यूटिलिटी, क्योंकि उनकी नॉलेज की वजह से, उनके सर्विस रेंडर करने की वजह से मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिले है। तो दिस वन इज अ सर्विस यूटिलिटी। एंड लास्ट वन इज नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है? एक कोई भी पर्सन जिसके पास थोड़ा बहुत किसी भी पर्टिकुलर चीज का नॉलेज है बट वो प्रोफेशनल नहीं, मतलब हैंडलिंग सेल फोन इज नाउअडेज वेरी कॉमन फॉर द यूथ, बट लेकिन उसके मम्मी है, पापा है, एज वेल एज ग्रैंडफादर है, ग्रैंडी है, कोई भी है, उनको उतना ज्यादा वो चीजों का फैमिलियर नहीं है। तो ये चीजें अगर हम उनको सिखाते हैं, हमारा नॉलेज शेयर करवाते हैं, तो उनको हमारे नॉलेज का यूटिलिटी मिलता है। क्रिएटिंग नॉलेज यूटिलिटी इज वन ऑफ द कंसेप्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सर्विस यूटिलिटी प्रोवाइड किया जाता है प्रोफेशनल सर्विसेज के बाद फिर क्रिएट होता है। तो आफ्टर प्रोवाइडिंग professional services to their clients, they will get service utility where sharing of knowledge by any individual without any professional knowledge can be termed as knowledge utility. तो ये छह types आपको simple से सीखने हैं। First one, form, the changing in the format of any raw material will create form utility. Like wood into chair, chair creates form utility. Second one, place utility. Changing of place, that is from lower demanding to higher demanding area. जब भी कोई चीज transport हो जाती है तो at higher demanding area there is a place utility of that particular apples from Kashmir. After that, time utility. Time utility वो concept है जहाँ पे आपको क्या सीखना है कि when there is changes in the time, that one stalk of a onion in the month of Jan as well as Feb may sold it in May. तो मई महीने में उसको टाइम यूटिलिटी मिलता है क्योंकि उसने टाइम चेंज करवाया वो पर्टिकुलर सेल्स का। आफ्टर दैट पोजेशन होता है इज अ ओनरशिप। तो चेंजिंग इन पोजेशन एज वेल एज ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल एज वेल एज रिमूवेबल, तो वो चीजें आपको पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट करवा के देता है। ओनरशिप चेंज करने की वजह से यूटिलिटी मिलती है। एंड लास्ट वन इज सर्विस एज वेल एज नॉलेज यूटिलिटी। सर्विस utility is created by providing services from the professional person to their clients. The client get service utility of their services and knowledge utility by creating as well as sharing knowledge. Changing knowledge from one person to another person नहीं कहते हैं, तो we said that कि sharing of knowledge from one person to another person.
ओके इसके बाद आपको ये सारी चीजें दो दो मार्क के लिए पूछी जाएगी, तो व्हाट यू नीड्स टू डू इसको एक्सप्लेन करके एग्जांपल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये सिखाया था कि देयर आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, तो देयर आर 10 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट व्हाट यू नीड्स टू डू इज ये दोनों को साथ में पढ़ो कि आपकी ध्यान अच्छे से रहे। ओके तो फीचर्स हमने 10 पढ़े थे, उसको रिवाइज करवा के देता हूं। देयर आर 10 फीचर्स, नेमली यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, मतलब वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, मतलब वो टाइम टू टाइम एज वेल एज प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती है। उसके बाद थर्ड वन इज यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल, मींस नाइफ कटिंग एंड मर्डर मर्डर बाय द वेपन एज अ नाइफ, तो नाइफ का यूज फॉर द मर्डर एज वेल एज फॉर कटिंग कटिंग वेजिटेबल एट बोथ द सिचुएशन नाइफ विल प्रोवाइड यूटिलिटी, इथिक्स को वो नहीं मानता है। उसके बाद होता है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन, जो आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हो। यूजफुलनेस मिलता है आपको स्मोकिंग का नहीं, बट फिर भी आप यूटिलिटी मिलवा पाते हो। उसके बाद प्लेजर नहीं मिलता है मुझे डॉक्टर के पास जाके, बट मुझे डॉक्टर का इंजेक्शन यूटिलिटी प्रोवाइड करवाता है। मेरे एग्जाम का रिजल्ट शायद मुझे नाराज कर जाए, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाए, बट मुझे मेरे एग्जाम का रिजल्ट एज वेल एज पूरी पढ़ाई का 100% यूटिलिटी मिलता है। यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन जैसे चेंज होती है, वैसे वो मल्टीपर्पज और मल्टी यूज भी हो सकती है। एक चीज का यूटिलिटी दो चार लोगों को, लाइक वाइज वाईफाई, और एक ही चीज का दो चार लोगों को एंड दो चार पर्पज के लिए यूज करवाया जा सकता है। और लास्ट वन यूटिलिटी इज बेस्ट ऑफ एवरी डिमांड, जब यूटिलिटी है तभी डिमांड करोगे, नहीं तो डिमांड होनी नहीं है। और यूटिलिटी हमेशा डिपेंड होती है इंटेंसिटी ऑफ वांट पे, इंटेंसिटी ऑफ वांट्स पे। तो ये सारे फीचर्स और 6 टाइप्स आपको सीखना ज्यादा जरूरी है। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियोस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद जय।